राज्य की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में चल रही आपसी विवाद के चलते शायद सरकार ये भूल चुकी है, राज्य में एक तबका ऐसा भी है जिन्होंने 2017 में कांग्रेस को वोट दे सत्ता में बिठाया था, जो आज पछता रहे हैं क्योंकि पिछले करीब एक महीने से अपनी मांगों को लेकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और बाकी का स्टाफ हड़ताल पर हैं, जिस वजह से गरीब जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग इलाज के लिए सिविल अस्पताल आ रहे हैं जहां डॉक्टरों द्वारा निजी तौर पर उनका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अगर बात करें टेस्टों की तो लैब टेक्नीशियन की हड़ताल होने की वजह से मरीजों को सिविल अस्पताल में टेस्ट करवाने की बजाय उन्हें निजी लेबोरेटरियों का रुख करना पड़ रहा है जहाँ उन्हें भारी पैसे अदा करने पड़ रहे हैं। इस संबंधी जब अस्पताल में टेस्ट करवाने पहुंचे मरीजों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा इलाज तो किया जा रहा है लेकिन लैब में टेस्ट न होने की वजह से उन्हें निजी लेबोरेटरियों में जाकर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। लोगों ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को चाहिए कि वह नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अपनी तकरार को छोड़कर राज्य की जनता की तरफ ध्यान दे जिन्होंने उन्हें 2017 में सत्ता में बिठाया था। लोगों को आ रही परेशानी के चलते जब इस संबंधी डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पिछले करीब एक महीने से वह अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की सहूलत को देखते हुए उनकी तरफ से निजी तौर पर ओपीडी की जा रही है ताकि गरीब लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उन्होंने बताया कि जो इमरजेंसी में मरीज हैं उनके लिए लेबोरेटरी में टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जो ओपीडी वाले आ रहे हैं उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। लोगों को आ रही इस परेशानी के चलते उन्होंने कहा कि उनसे जो हो सकता है वह कर रहे हैं और जो कमियां हैं उनके लिए सरकार जिम्मेवार है। देखो सर, असी लोगों की परेशानी समझते हैं जेडे, क्योंकि देखो ओपीडी साड़ी बंद है, असी हड़ताल ते हैं काफ़ी दिनों तो, अपनिया जिहड़ियां जायज़ मंगां नूं लैके असी सरकार नूं बार बार अपील कर रहे हैं कि सानूं मजबूर ना किया जाए हड़ताल अपनी लंबी खिंचन ते, या लोगों नूं जिहड़ी तंगी आ रही है उन्हूं ही मुख रखते हुए असी पैरलर ओपीडी भी शुरू की है ताकि लोग जिहड़े इन्नी दूरों दूरों आते हैं उन्हां दा इत्थे आके हल हो सके। और जिहड़ियां एमरजेंसी सेवावां ने वो साड़ियां पूरी तरह चालू ने, एमरजेंसी टेस्ट भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा अंदर, जिहड़ा कोई पेशेंट ज़्यादा जरूरत विच है इस चीज़ की। सर मैं अज अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाने वास्ते आया सीगा, डॉक्टर्स ने उनका हड़ताल होने के बावजूद टेंट ला के ओपीडी सेवावां जारी रखिया ने, ये डॉक्टरों वास्ते बहुत मैं थैंक्स करदा डॉक्टर्स का कि हड़ताल के बावजूद वो अपनिया जनता के प्रति सेवावां निभा रहे हैं। लेकिन जेडे ओपीडी के पेशेंट आते हैं सर, उन्होंने टेस्ट बाहरों करवाने पैंदे आ, हिमाचल तो भी इतने पेशेंट आते, जे एंड के भी आते हैं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वाटर होने के नाते, जो पेशेंट बाहर जाता है टेस्ट करवाने उन्हें मोटी सट लगती है, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान है यदा। मैं अमरिंदर सिंह जी नूं ये रिक्वेस्ट करांगा कि अपनी और सिद्धू की मुछदा सवाल बनी लड़ाई नूं छड़ के पठानकोट और पंजाब की जनता वास्ते कुछ सोचन, डॉक्टर दीआं मंगां नूं जिथों तक हो सके मंजूर करके ये हड़ताल खत्म करवाई जाए ताकि जनता का भला हो सके।